एंजल वन के ब्रोकरेज चार्जेस के बारे में कुछ सीक्रेट्स आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। वीडियो में केयरफुली बने रहिएगा। मेरा नाम है विकास मीणा। तो गाइज, ये जो सीक्रेट्स हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ये सीक्रेट्स हैं जनरली एएमसी चार्जेस के बारे में। कुछ लोगों को डाउट रहता है एएमसी कैसे अप्लाई होती है, कब होती है, कब नहीं होती है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर ब्रोकरेज चार्जेस के बारे में डिस्कशन करेंगे कि कितने अमाउंट पर क्या ब्रोकरेज बनता है। इसके अलावा हम मेनली एक चीज डिस्कस करेंगे जो कि आपके नेगेटिव बैलेंस के ऊपर है, कि आपका जब बैलेंस नेगेटिव चला जाता है तो किस रीजन से जाता है और कितना उस पर इंटरेस्ट अप्लाई होता है। तो ये कुछ सीक्रेट्स हैं जो जनरली लोग डिस्कस नहीं करते हैं, ये चीजें हम आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ब्रोकरेज चार्जेस के बारे में बात करते हैं। तो गाइस, ब्रोकरेज चार्जेस क्या है? यहां पर 20 रुपए या 0.25% की रेट से अप्लाई होते हैं। डिलीवरी आपको बिल्कुल फ्री मिल जाती है, इक्विटी डिलीवरी। अगर जैसे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप इसमें डीमैट अकाउंट बना सकते हैं। मेरा भी डीमैट अकाउंट एंजल वन में बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो अगर आप डिलीवरी में स्टॉक्स को खरीदते हैं, यानी कि 2-3 दिन से ज्यादा आप होल्ड करते हैं शेयर्स को, तो उस केस में एंजल वन आपके लिए फ्री डिलीवरी देता है, तो बेस्ट है। अब बात करते हैं इंट्राडे की। इंट्राडे में यहाँ पर जो चार्जेस लगते हैं, यानी कि आप अगर किसी भी स्टॉक को, फ्यूचर्स को या ऑप्शंस को उसी दिन खरीद करके उसी दिन बेच देते हैं, उस केस में जो चार्जेस बनता है वो 0.25% या 20 रुपए, इन दोनों में से जो भी कम होगा वो लगता है। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एंजल वन में जब आप कोई स्टॉक्स खरीदते हैं तो आपके जो ब्रोकरेज चार्जेस हैं वो इंट्राडे में लगते हैं 0.25% या 20 रुपए, जो भी लोअर होगा। अब इस चीज़ को हम कैलकुलेट करके देखते हैं। मान लेते हैं आप कोई 10 शेयर खरीदते हो, किसी भी कोई भी कंपनी का हो सकता है, जिसका शेयर प्राइस 100 रुपए है। तो आपका जो ट्रांजेक्शन अमाउंट कितना हो गया, 100 × 10, यानी कि 1000 रुपीज। अब ब्रोकरेज जो है वो दो तरीके से कैलकुलेट होगा। एक तो परसेंट बेस में जो 0.25% है, तो 0.25 को आप पहले 100 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि आप इसे पॉइंट्स में कैलकुलेट करना चाहते हैं। इसके बाद आप इसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि आपका ट्रांजेक्शन अमाउंट है। अब ऐसा करने पर जो आ गया 2.5 रुपया, तो ये आपका ब्रोकरेज आ गया 2.5 रुपए का। तो अब ये 2.5 रुपया क्योंकि 20 रुपए से कम है तो ये ब्रोकरेज लगेगा। वहीं अगर आप 0.25% की रेट से ही 10,000 रुपए का ट्रांजेक्शन करते हैं, मान लीजिए, तो 0.25 / 100 × 10,000, तो अगर आप 10,000 रुपए का कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, यानी कि वही 100 रुपए वाले शेयर अगर आप 100 क्वांटिटी में खरीदते हैं, तो ट्रांजेक्शन अमाउंट हो गया 10,000 रुपए। उस केस में जो आपका ब्रोकरेज बनेगा वो बन जाएगा 25 रुपया। तो इस केस में 25 रुपया नहीं लगेगा, इस केस में 20 रुपया ही लगेगा, क्योंकि कंडीशन ये है कि परसेंट बेस से कैलकुलेट करने पर अगर 20 से कम आता है तो परसेंट वाला लगेगा, और अगर 20 से ज्यादा आता है तो 20 पे ही आपके जो ब्रोकरेज चार्जेस है वो कैप हो जाएंगे। तो ये एक चीज हो गई। इसी तरीके से जब आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो आपका जो इसी ट्रांजेक्शन अमाउंट के हिसाब से कैलकुलेट होता है। अगर ब्रोकरेज 20 से ज्यादा जा रहा है तो 20 ही लगेगा, और 20 से कम आ रहा है तो वो उस हिसाब से लगता है। करेंसी कमोडिटी में भी, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी, और इक्विटी इंट्राडे के केस में भी जो एंजल वन है वहां आपसे इसी तरीके से ब्रोकरेज चार्ज करता है। डिलीवरी आपको एंजल वन के अंदर फ्री मिल जाती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एएमसी चार्जेस के बारे में। तो कई लोगों को यहाँ पर एएमसी चार्जेस में कन्फ्यूजन होता है। देखिए, ये जो है आपसे 23.6 रुपीज एंजल वन हर महीने की एएमसी लेता है, लेकिन हर महीने लगने के लिए कंडीशन है। कंडीशन ये है कि एक बीएसडी अकाउंट होता है डीमैट अकाउंट्स में। बीएसडी का मतलब है बेसिक सर्विसेज डीमैट अकाउंट। बेसिक सर्विसेज डीमैट अकाउंट की डेफिनेशन क्या दी है सेबी ने, कि अगर आपके डीमैट अकाउंट में पूरा पोर्टफोलियो की होल्डिंग 50,000 से कम है तो उस केस में आपके ऊपर बीएसडी कैटेगरी में आपका डीमैट अकाउंट आता है, और बीएसडी होने की वजह से आपके ऊपर ब्रोकर जो है वो कोई एएमसी आपसे चार्ज नहीं कर सकता। तो एंजल वन इस रूल का बखूबी फॉलो करता है। आपसे अगर आपके डीमैट अकाउंट में 50,000 रुपए से कम की होल्डिंग है तो आपसे कोई भी एएमसी चार्ज नहीं की जाएगी, बशर्ते कि आपने उस महीने कोई ट्रेड प्लेस नहीं किया है। यानी कि आपने 50,000 रुपए के शेयर खरीद के डाल दिए और आप हर महीने कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, कोई बाइंग सेलिंग नहीं कर रहे हो, तो उस महीने का एएमसी आपसे नहीं वसूला जाएगा एंजल वन के अंदर। लेकिन अगर आपके डीमैट अकाउंट में 50,000 रुपए से लेकर के 2,00,000 रुपए तक के शेयर्स हैं की होल्डिंग है, उस केस में अगर आप किसी महीने में ट्रेड करते हो तो आपके ऊपर 100 रुपए सालाना के हिसाब से उस महीने की जो भी एएमसी बनेगी, 100 / 12 करेंगे तो 8-8.25 रुपए के आसपास का जो अमाउंट बनेगा वो हर महीने उस महीने में लगेगा जिस महीने आप ट्रेड करते हो। इसके अलावा अगर आप यहां पर 2,00,000 रुपए से ज्यादा की होल्डिंग आपके डीमैट अकाउंट में है तो आपका कुछ 283 रुपए के आसपास का जो है वो टोटल एएमसी बनता है हर साल का, जो कि आपसे चार्ज किया जाएगा मंथली बेसिस पर ही। यानी कि एनुअली आपका बनता 283 point something rupees है, लेकिन वो आपसे मंथली 23.6 ही चार्ज किया जाता रहेगा।
अब ये आपका, मैंने आपको बता दिया एएमसी चार्जेस किस हिसाब से लगते हैं आपके नॉन बीएसडी अकाउंट के बेसिस पर या बीएसडी अकाउंट के बेसिस पर। आपके डीमैट अकाउंट में होल्डिंग 2 लाख रुपए से ज्यादा चली जाती है तो आपका अमाउंट, जो आपका जो अकाउंट है वो नॉन बीएसडी हो जाता है, नॉन बेसिक सर्विसेज डीमैट अकाउंट में आ जाता है। तो उस केस में 23.6 रुपीज 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए की होल्डिंग में 100 रुपए सालाना की एएमसी और 50,000 से कम अमाउंट होने पर आपके डीमैट अकाउंट में आपसे कोई एएमसी नहीं ली जाती है। तो ये हो गया सिस्टम एएमसी का। अब हम बात करते हैं, मैंने जस्ट अभी आपके साथ ब्रोकरेज चार्जेस भी शेयर किए थे, लेकिन वो ब्रोकरेज चार्जेस में एक छोटी सी चीज़ आपको बताना भूल गया, वो ये है कि यहाँ पर जब ब्रोकरेज चार्जेस कैलकुलेट होते हैं तो दो चीज़ों से मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया, परसेंट बेस पर और एक फिक्स चार्ज के बेस पर जो कि 20 रुपये है। तो जब आपका ब्रोकरेज, आपका जो ट्रांजेक्शन अमाउंट है वो हायर होता है, जब आपका ब्रोकरेज हायर, आपका जो ट्रांजेक्शन अमाउंट हायर है उसकी वजह से आपका ब्रोकरेज 20 रुपीज़ से ज़्यादा बनता है, तो एक्चुअली ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल वन, किसी भी डीमैट अकाउंट में आप चले जाएं, आपके ब्रोकरेज जो है वो सेम लगते हैं। लेकिन जब आपका ट्रांजेक्शन अमाउंट कम होता है और परसेंट बेस पर आपका जो अमाउंट बनता है वो 20 रुपीज़ से कम बनता है ब्रोकरेज का, उस केस में आपको जो परसेंट वाला पोर्शन है वो भी मैटर करता है। यानी कि जिस ब्रोकर में ये परसेंट वाला पोर्शन कम होगा वहां पर आपका छोटे ट्रेड्स में ब्रोकरेज कम बनेगा, लेकिन वो अमाउंट बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होता। तो आपके बेसिस पर, आपके कंडीशन के बेसिस पर है आप कैसा चाहते हैं, आप चाहे तो उसे इग्नोर भी कर सकते हैं या हो सकता है आपको वो, आपके लिए वो इंपॉर्टेंट हो। तो ये आप देख सकते हैं, जैसे ज़ीरोधा में 0.03% या 20 रुपीज इन दोनों में से जो लोअर होता है वो लगता है, अपस्टॉक्स में 0.05% या 20 रुपीज जो भी लोअर होता है वो लगता है, यहाँ पर एंजल मन में 20 रुपीज या 0.25% जो भी लोअर होता है वो लगता है। सबके अपने अपने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, जैसे ज़ीरोधा में आपको अकाउंट ओपनिंग पे करना पड़ता है, एएमसी पे करना पड़ता है, अपस्टॉक्स में आपको डिलीवरी फ्री नहीं मिलती है, एंजल वन में आपको अकाउंट ओपनिंग फ्री मिल जाती है, आपको एएमसी भी फर्स्ट ईयर की फ्री मिल जाती है। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं आपके लिए कौन सा फीचर जो है वो इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर बात करते हैं हम, जो नेगेटिव बैलेंस आपका चला जाता है, डेबिट बैलेंस पर कितना इंटरेस्ट लगता है और किस रीजन से आपका अकाउंट बैलेंस नेगेटिव जाता है। तो देखो, इसका सबसे बड़ा रीजन है, दो ही मेन रीजन जो मेरी समझ में आते हैं। सबसे बड़ा रीजन तो यह है कि जब आप मार्जिन लेते हैं तो मार्जिन को आप रीपे नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से आपका अकाउंट बैलेंस नेगेटिव में चला जाता है। दूसरा, जब कभी आपके अकाउंट में कोई पैसा नहीं है, बिल्कुल जीरो है आपका ट्रेडिंग अकाउंट और एएमसी का डिडक्शन हो गया मान लो उस टाइम, तो 23.6 रुपीज आपका नेगेटिव में चला जाएगा। अब इस नेगेटिव अमाउंट पर जो है 0.049% पर डे के हिसाब से इंटरेस्ट अप्लाई होता है पर 10,000 पे। पर 10,000 का मतलब यह है कि अगर 12,000 है तो दो बार ये 0.049 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए, मान लेते हैं आप एएमसी के ऊपर हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि आपकी, मान लीजिए एएमसी का डिडक्शन हो गया, आपके अकाउंट में कोई पैसा नहीं था, तो नेगेटिव 23.6 रुपीज़ हो गया। तो 23.6 मल्टीप्लाई बाय 0.049 मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय 100, तो ये हो गया आपका पर डे का 0.011, यानी कि करीब करीब 1 पैसे के बराबर का आपका डेली का इंटरेस्ट हो गया। मंथली बेसिस पर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो करीब करीब 34 पैसा बन जाता है मंथली बेसिस पर, और इसे अगर आप पूरा साल भर के बेसिस पर आप कैलकुलेट करते हैं तो 4 रुपये 16 पैसे बन जाते हैं। कहने का मतलब है, आपकी एएमसी डिडक्ट हुई और उस टाइम आपके अकाउंट में पैसा नहीं था तो माइनस में अकाउंट चला गया 23.6 रुपीज़, तो अगर आप उसे माइनस में ही छोड़ देते हैं तो यहाँ पर साल भर बाद वो 27 रुपये 28 रुपये के आसपास ही होगा, साल भर में सिर्फ 4 रुपये ही बढ़ेगा, कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं पड़ता है। मैंने पिछले वीडियोज़ में आपके साथ कई बार बताया कि आप अपने डीमैट अकाउंट में 100 रुपये मिनिमम होल्ड कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं भी करते हैं तो ये एएमसी डिडक्शन की वजह से आपका जो अकाउंट नेगेटिव में जाता है ये कोई बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं होता है, तो आप इसे चाहे तो इग्नोर भी कर सकते हैं। अब लेकिन मार्जिन के केस में अगर आपका डीमैट अकाउंट नेगेटिव जाता है तो उस केस में आपका मार्जिन का अमाउंट कितना है उसके बेसिस पर आपका ये जो पेनल्टी है ये काफी बड़ी भी हो सकती है। आप इसे खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, आपके अमाउंट को आप 0.049% से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी पेनल्टी आपकी पर डे की लग रही है। तो ये कुछ सीक्रेट से जो एंजल वन के डीमैट अकाउंट के बारे में आपको जानना जरूरी था। इसके अलावा मैंने यहां पर एंजल वन के कंप्लीट ब्रोकरेज चार्जेस और दूसरे चार्जेस के बारे में एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, करीब 7-8 महीने पहले बनाया था, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, एंड स्क्रीन पे भी लिंक डाल दूंगा। इसके अलावा एक अभी रिसेंटली मैंने बताया है ब्रोकरेज कैलकुलेटर के साथ इसके डेमो दिया है मैंने आपको, क्या क्या चार्जेस लगते हैं ऑप्शन के, डिलीवरी के, इंट्राडे फ्यूचर्स वगैरह के, तो वो भी आप जाकर के देख सकते हैं, एंड स्क्रीन में आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा। अगर आपने कोई डीमैट अकाउंट नहीं बनाया है तो एंजल वन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप अपस्टॉक्स को चुन सकते हैं, अपस्टॉक्स में जो ट्रेडिंग रिलेटेड फीचर्स हैं वो आपको काफी ज्यादा डाइवर्सिफाई मिल जाते हैं। ये दोनों के ही अपस्टॉक्स के और एंजल वन के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके अलावा ज़ीरोधा में अगर आप जाना चाहते हैं तो ज़ीरोधा का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां भी आप अपना डीमैट अकाउंट बना सकते हैं। इसके अलावा डीमैट अकाउंट रिलेटेड आपको कोई कंफ्यूजन है, डाउट है, तो कई छोटे मोटे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन हम आपको डीमैट डाइव, हमारी वेबसाइट जो ब्लॉग है उसके थ्रू हम देने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट जाकर के आर्टिकल्स को पढ़ सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप सारी इन्फॉर्मेशन वहां पर भी हमने प्रोवाइड कर रखी है। टेलीग्राम पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अगर आप मेरी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी के बारे में जानना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक
और डीमैट डाइव का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाकर के आप जोड़ सकते हैं हमारे साथ। आज की वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद जय भारत।